कोरोना काल में बढ़ी हुई दर से अनाप शनाप बिजली बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को शहर के सभी महावितरण कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। कोरोना काल में आए बिजली बिल माफ किया जाएगा या सहूलियत दी जाएगी, ऐसी घोषणा राज्य सरकार ने की थी। पहले ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिल माफ करने की घोषणा की थी, मगर राउत के इस निर्णय से राज्य सरकार सहमत नहीं थी और ये घोषणा वापस ली गई। इसके बाद जनता को आशा थी कि सरकार की ओर से कुछ नहीं तो सहूलियत दी जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। बिजली बिल माफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले से ही विरोध कर रही है। शुक्रवार को भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर के सभी महावितरण कार्यालय के सामने हल्ला बोल आंदोलन किया गया। शहर के अजनी परिसर के महावितरण कार्यालय के सामने पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए और पूर्व महापौर संदीप जोशी इनकी अध्यक्षता में आंदोलन किया गया। भाजपा की ओर अजनी कार्यालय को ताला ठोका गया। इस समय बावनकुए ने कहा कि ये सरकार जनता के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, साथ ही सरकार हुकुमशाही कर रही है। ये सरकार मुगला पेक्षा इंग्रजा पेक्षा ही वाईट वागता है। या महाराष्ट्र मधल्या 72 लाख परिवारांना म्हणजे 4 कोटी जनतेला अंधारात आणण्याचा डाव सरकारने केलाय। या सरकारला कोणताही महाराष्ट्रातला व्यक्ती विचारायला गेला नव्हता आमचं वीज बिल माफ करा। महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आम्ही 100 युनिट वीज बिल माफ करू। आज 12 महिने झाले, एकही युनिट माफ झालं नाही। मागणी आहे 12 महिन्याचं 1200 युनिट माफ करा, ते कमी करा त्या बिलातनं आणि नवीन बिलं पाठवा। सरासरी 60-60 हजार रुपये लोकांना इलेक्ट्रिक बिल आलं, एक लाईट जाळला 60 हजार रुपये बिल आलं। ही जी हुकूमशाही आहे ही बंद करा। आणि 72 लाख लोकांच्या वीज कनेक्शन कापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, पण भारतीय जनता पार्टीने निर्णय घेतला आहे कुणाचे वीज कनेक्शन कापू देणार नाही। महाराष्ट्राच्या महिला भारतीय जनता पार्टीच्या महिला नेत्या भाजपचे सर्व कार्यकर्ते 72 लाख लोकांच्या घरी आम्ही उभे राहू, कुणाचेही डिस्कनेक्शन आम्ही करू देणार। वही दूसरी ओर उत्तर नागपुर परिसर में भी प्रवक्ता गिरीश व्यास इनकी अध्यक्षता में महावितरण कार्यालय के सामने हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस समय नगर सेवक विक्की कुकरेजा और नगर सेवक धर्मपाल मेशराम उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए व्यास इन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को महाविकास अघाड़ी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः विदर्भामध्ये आमचे माजी पालकमंत्री, माजी ऊर्जा मंत्री, प्रदेशाचे सरचिटणीस चंद्रशेखरजी बावनकुळे आणि चंद्रकांतदादा पाटील प्रदेश अध्यक्ष यांनी देवेंद्र फडणवीसांशी निर्णय घेऊन या आघाडी सरकारच्या विरोधामध्ये वाढत्या आणि बोगस बिलांच्या विरोधामध्ये वीज बिलांच्या विरोधामध्ये हल्ला बोलचा कार्यक्रम केलेला आहे आणि त्या अनुषंगानं आमचं निदर्शन हे नागपूरच्या उत्तर भागात सुरू आहे। आज नागपूर शहरामधल्या सर्व प्रमुख स्थानी स्थायी विधानसभा क्षेत्रांमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। मुळात या झोपलेल्या सरकारला आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीनं आंदोलन करून, निवेदनं देऊन, ढोल वाजवून, वीज बिलांची होळी करून आम्ही त्यांच्या समोर हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला। भाजपा का हल्ला बोल का असर ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखाई दिया। विधायक समीर मेघे की अध्यक्षता में हिंगना के महावितरण कार्यालय के सामने हल्ला बोल आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। समीर मेघे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो जनता से वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इसीलिए भाजपा की ओर से ये हल्ला बोल आंदोलन किया गया है। समीर मेघे विधायक, शुक्रवार को हुए आंदोलन भले ही जनता के हित में लिया गया हो, मगर अभी तक बिजली बिल पर आम जनता को कोई भी सहूलियत नहीं मिली है। आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन से आम जनता का कुछ भला हो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पान से BCN न्यूज नागपुर। लोको पलटली आणि त्यांनी शब्दावर टिकले नाही, म्हणून आज हा निषेध मोर्चा आम्ही काढलेला आहे। आणि आमची विनंती आहे आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब असो, उपमुख्यमंत्री साहेब असो, आदरणीय नितीन राऊत साहेब असो, यांनी हे जे वाढीव वीज बिल आहे हे कमी केलं पाहिजे, लोकांना दिलासा दिला पाहिजे। तसा ह्या महाविकास आघाडीने काही दिलासा कोरोनाच्या काळामध्ये दिला नव्हता। कमीत कमी आता तरी महाविकास आघाडी जागे व्हा आणि आता तरी हे वीज बिल कमी करा अशी माझी विनंती।